गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आपको दो सेशन बहुत पसंद आए होंगे। आज हमारा लास्ट है, तो आज का भी आप देखो जरा, आज भी कुछ नया ही मैं लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है, फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पेपर क्राफ्ट है और SUPW है, तो उसमें मैं आपको कुछ स्टिचेस सिखाऊंगी, एम्ब्रॉयडरी की है कुछ, आपके आप जब कुछ स्टिचिंग की है, बटन लगाना, फिर तुरपाइयाँ वगैरह करना, कच्चा टांका देना, जिससे आप अपने कभी छोटे मोटी जो चीज़ें होती हैं फट जाती हैं आप उनको स्टिच कर सकते हो। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सीख जाओगे। ठीक है, पहले मैं आपको कुछ एम्ब्रॉयडरियाँ दिखा देती हूँ, उसके बाद हम पेपर वर्क स्टार्ट करेंगे। ये देखो, ये कुशन कवर है, इस पर एम्ब्रॉयडरी बहुत सिंपल थ्रेड से हुई है और बीच में मैंने सीक्वेंस भी लगाए हुए हैं इसमें। बहुत सिंपल है ये, सिंपल टांका, फिर भी देखो कितना ब्यूटीफुल है। एक डिजाइन में आपको और दिखा देती हूँ, ये देखो, इसमें भी मैंने 3-4 स्टिचेस का यूज किया हुआ है। जैसे ये फ्रेंच नोट है, ये लेजी डेजी है, ये रनिंग स्टिच है, ये देखो, ये सूट है, ये सारी चीजें मैंने खुद से एम्ब्रॉयडरी की हैं। ये सूट का नेक है, ये बॉटम एरिया है, ये देखो, ये बाजू है, सेम सेकेंड है। इसमें मैंने, जिससे हम काज बनाते हैं, काज स्टिच बोला जाता है इसको, ये बहुत यूज होता है एम्ब्रॉयडरी में, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ही अच्छा स्टिच होता है जो ज्यादा यूज आता है। और इसे हम ये देखो, एक ये है, इसमें ये देखो मैंने कच्चे टाके का कितना अच्छा यूज किया हुआ है, बहुत इजी है। इसमें भी मैंने सीक्वेंस का काम किया हुआ है। कोई भी आप लेके अगर आप सीखते हो, बहुत इजी होता है एम्ब्रॉयडरी करना, कोई टफ नहीं है। ये देखो, अपने आप से आप अपना सूट डिजाइन कर सकते हो। ये देखो, मैंने बैक तक अपने आप किया हुआ, ये फ्रंट है और ये मैंने स्टिच होने के बाद ये बाद में बाजू के ऊपर और बाजू से पीछे किया हुआ। और ये देखो इधर, इसकी साइड में ये देखो, मुझे किसी लेस की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ये एक टांके का यूज किया है, ये भी मैं आज आपको सिखाऊंगी। और ये देखो मेरा बॉर्डर कितना सुंदर बॉर्डर बन गया। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप सीख लेते हो तो आप अपनी ड्रेसेस को खुद से डिजाइन कर सकते हो। पेंटिंग कल मैंने आपको बताई थी, तो पहले हम पेपर वर्क स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए आज मैं उन्हें ग्रेप्स बनाना सिखाऊंगी। तो ग्रेप्स बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, मैंने ये पर्पल कलर का पेपर लिया है, इसकी मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर ली है। मैं भी आपको एक काट के दिखा देती हूँ, ये 1/2 इंच की आपने इस तरह से स्ट्रिप्स ले लेनी है।
फिर आपने इसको इस तरह से डेढ़ डेढ़ इंच का 1.5 इंचेस की इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। इससे ज्यादा बड़ी भी रखनी है तो आप रख सकते हो। इसको फिर आपने इस तरह से सर्कल में ऐसे मोड़ लेना है और यहाँ पर आपने ग्लू लगा लेना है। मैं यहाँ पर स्टेपल कर रही हूँ, लेकिन आप ग्लू से भी इसको कर सकते हो। इस तरह से मैंने ये देखो, ये इस तरह से मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये सर्कल बन गया और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे करके स्टेपलर लगा दिया। ये मैंने बहुत सारे इस तरह से सर्कल्स अब ये देखो मैंने काफी सारे बना लिए हैं। अब मैंने क्या करना है, मुझे ग्रेप्स बनाना है। तो मैं ग्रेप्स बनाने के लिए क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने इस तरह से इस तरह से मैंने लाइन लगाई है और मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेप्स के लिए पहले हल्का सा मैं इस तरह से ड्रॉ कर लूंगी। मैंने इसमें कलर कर देना है जल्दी जल्दी। आप इसमें कोई भी कलर यूज कर सकते हो।
आज मेरा फोकस पेपर क्राफ्ट पर है, तो कलरिंग का मैंने ज्यादा वो नहीं किया है। आपने कलरिंग अच्छे से करनी है जैसे मैंने आपको सिखाया है। हम यहाँ पर आप फेविकॉल भी यूज कर सकते हो, मैंने पेपर ग्लू का यूज किया है। आपने इस तरह से लेना है, ये ऐसे, जहां भी आपका मन करे आप इसको ऐसे पेस्ट करते जाइए। इस तरह से आप पाइनएप्पल भी बना सकते हो, आप चेरी भी बना सकते हो। चेरी के लिए आपको 2 सर्कल्स की जरूरत होती है। ये मेरा, ये देखो, ये अभी एक मेरा कम पड़ गया है, मैं अभी एक और बनाऊंगी। इस तरह से हल्का सा ऐसे प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से पेस्ट हो जाए। ये आपका ड्रेप्स बन गया। अब मैं छोटे बच्चों को स्नेक बनाना सिखाऊंगी, इसी तरह के हम सर्कल्स बनाएंगे। ये देखो, इसमें भी मैंने ये इस तरह की स्ट्रिप्स ली हैं, और इन स्ट्रिप्स को मैंने 2 इंच से भी बड़ा लेना है। इसमें आप कलर भी मिक्स कर सकते हो, एक दो कलर भी आप ले सकते हो, मैंने सिर्फ ग्रीन कलर लिया है। देखो, मैंने ये सर्कल बनाया। अब मैं इस सर्कल के अंदर से इसको ऐसे डालूंगी और स्टेपल कर दूंगी। ये जितना आपका मन करे आप इसे लंबा कर सकते हो।
आप इसे और भी लंबा बना सकते हो। मैंने छोटा सा आपको जस्ट एग्जांपल के लिए, अब मैंने इसकी बना लेनी है टेल, तो मैं टेल के लिए क्या करूंगी, इसी को ही हल्का सा ऐसे फोल्ड कर और इसको ऐसे ट्राइंगल शेप में मैंने कट कर लेना है ऐसे। टेल के लिए मैं क्या करूंगी, देखो मैंने यहां पर इसको ऐसे पेस्ट कर देना, बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक लीफ की शेप में ये फेस बनाया हुआ है। इस फेस को मैंने देखो, ये मैंने आईज बना दी है। इसको मैंने यहां पर ऐसे पेस्ट कर दूंगी, अभी मैंने रेड कलर से इसका फन भी बनाना है। ये देखो, ये इस तरह से मैंने इसका फन बना दिया है और इसको मैं यहाँ पर, ये मैंने जो लीफ की तरह का बनाया था इसके मैंने देखो सेंटर में ग्लू के साथ इसको लगा देना। ये देखो ऐसे, और इसको मैंने ऊपर से ऐसे पेस्ट कर दिया ऐसे, ये देखो। ये हमारा देखो इसमें आप इसे जितना मन में आए लंबा कर सकते हैं। अब मैं आपको एक कार्ड बनाना बताऊंगी। जो छोटे बेबीज अपनी मम्मा के लिए बना सकते हैं। ये देखो, अब मैं आपको एक कार्ड बनाना बताऊंगी। इसको मैंने हार्ट की शेप में कट कर लिया है, ये देखो। ये कुछ मैंने और भी चीजें इसी तरह हार्ट शेप में ही कट की हैं, आपने भी ऐसे ही करना है। हार्ट शेप सबको आती है, सबको आती है हार्ट शेप बनानी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी,
ये मैंने जो विंग्स बनाए हैं हार्ट की शेप में, थोड़ा सा छोटा साइज लिया है, ये मैंने बिग साइज लिया है, और छोटे साइज में मैंने ये हार्ट लिए, और इससे भी छोटे साइज में मैंने ऑरेंज कलर वाले हार्ट लिए। ठीक है, तो अब हमने इसको पेस्ट कैसे करना है, इस तरह से ये ऐसे रखोगे, ये हमने विंग्स बनाने हैं, ये देखो ऐसे रखोगे और इसको यहाँ पर इस तरह से आपने ऐसे फोल्ड कर कर पेस्ट करना है। ये देखो ऐसे मैं पेस्ट कर देती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो ये बैक साइड से हमने इसको ऐसे, ये हमारा, ये देखो एक विंग हमारा पेस्ट हो गया है। अब हमने सेकंड विंग को भी इसी तरह से कर दिया ऐसे। इसको भी मैंने ऐसे कर दिया है, और इसको भी मैंने पेस्ट कर देना है। ऐसे सेम बैक साइड, अब ये जो मैंने ये ऑरेंज कलर के हार्ट काटे थे इनको मैंने यहाँ लेग्स के लिए लगा देना है। ये देखो अंदर वाली साइड से ऐसे, बस सेम हमने सेकंड वाले को लगा देना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर दूंगी ताकि जल्दी से पेस्ट हो जाए। अब ये नोज के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटा सा हार्ट लगा देना है, बीक होती है ना, अभी आपको पता चल जाएगा हम क्या बना रहे हैं। विंग्स के ऊपर आप लगाएंगे अब मैंने एक ये रेड कलर लिया है, अब इसका भी मैंने एक हार्ट और बनाना है। ये पूरी पिक्चर आपकी हार्ट से ही बनी है। ये देखो ये मैंने एक और कट कर लिया है, इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया ऐसे। अब यहां पर मैंने आईज बना देनी है। ये देखो ये आपकी मामा के लिए कार्ड बन गया है।
ये है। ये आप अंदर मम्मा को कुछ भी अच्छा सा दिख के दे सकते हैं, ठीक है। ये देखिए छोटे बेबीज के लिए कार्ड बन गया। आप यहाँ पर भी डिजाइन कर सकते हैं। ओके, अभी हम बनाएंगे। आज मैंने 3D बियर बनाया है आपके लिए, तो अभी आप भी मैं एक ड्रॉ करके आपको बताती हूँ हमने ड्रॉ कैसे करना है। सबसे पहले हमने इस तरह से ये ड्रॉ करना है, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे ये डबल किया हुआ था, आपने भी डबल ही रखना है इसको, पेपर को ऐसे फोल्ड करके। लेकिन मुझे ये 2 पीसेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं इस वाले को भी ऐसे फोल्ड कर दूंगी और इसको मैंने ऐसे कर देना, तो मेरा क्या होगा, मेरे 2 पीसेस बिल्कुल इक्वल साइज के कट हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखो ये मेरे 2 पीसेस हो गए। अब मुझे बनाना है फेस, लेकिन 3D के लिए मुझे, मैंने एक ऐसी लंबी स्ट्रिप ली है और लंबी स्ट्रिप को मैंने, जैसे हम फैन बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से, मैंने ऐसे फोल्ड किया, 1 फोल्ड, फिर उल्टा करके इसको सेकंड फोल्ड, जैसे हम फैन बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपने इसको ऐसे फोल्ड करते जा रहे हैं। ये इससे क्या होगा, ये zigzag बन जाएगा, ये देखो, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही आपने बनाना है। ये देखो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ऐसे सर्कल बनाना है, कोई भी आप बैंगल रख लीजिए या कोई और ऑब्जेक्ट, आपने इस तरह से ये सर्कल बनाना है। ये ईयर इस तरह से बना देने हैं हाफ सर्कल जोड़कर। अब हम इसको भी कट करेंगे। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने इसको ऐसे कट कर लेना है। अब ये फेस बनाना है, इस फेस के अंदर आपने व्हाइट कलर कर लेना है। अगर व्हाइट कलर करोगे तो ये और भी ब्यूटीफुल लगेगा। आज मैंने कलर का काम नहीं करना है, आज आपने करना है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि अगर इस सर्कल के अंदर आप व्हाइट कलर करोगे तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये हो गई आईज। अब हमने इसको करना है पेस्ट। मैं फिलहाल यहाँ पर स्टेपलर कर रही हूँ, आपकी चॉइस है, आपने स्टेपल करना है या पेस्ट करना है। इस तरह से देखो मैंने ये एक पीस को इसके साथ जोड़ दिया है, ठीक है। अब सेकंड वाले को भी मैंने यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देना है बिल्कुल सेम हाइट ऐसे।
ये देखिए, ठीक है, ये हो गया है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस फेस को यहां पर पेस्ट करूं, ठीक है, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा लगाओगे तो ये नटखट सा भालू आपको दिखाई देगा, ठीक है। आप इसको सीधा भी लगा सकते हो ऐसे, लेकिन अगर ऐसे लगाओगे हल्का सा टेढ़ा कर दोगे तो बहुत ब्यूटीफुल आएगा। इसको आपने पेस्ट कर लेना है, मैं तो स्टेपलर कर रही हूँ ताकि थोड़ा जल्दी आपको, ये देखो ये मेरा 3D बियर हो गया। अगर आपका पेपर इससे हार्ड होगा तो ये स्टैंड कर जाएगा, ठीक है। आपने हार्ड पेपर लेना और इस वाले यहाँ पर बीच वाला जो सर्कल है इसमें आपने व्हाइट कलर कर देना, तो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। अब लास्ट मैं आपको ये बता रही हूँ, लास्ट एक और बियर हम बनाएंगे, ये इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है। इसको मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखो, इस तरह से आपने यू बनाना है और यू के अंदर से आपने थोड़ा सा एक और छोटा यू बना देना, ठीक है। सेम आपने एक और छोटा यू बनाना है, फिर सर फेस भी आपने बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हमने पहले वाले बियर का बनाया था। सॉरी, बियर नहीं है ये, हम पांडा बना रहे हैं, वैसे मिस्टेक हो गई, ये पांडा बन रहा है आपका। मैंने जल्दी से इसको कट कर लेना है। ये देखो मैंने एक पीस कट कर लिया है, सेकेंड है।
मिलेगा। अब जैसे हमने बेयर में किया था बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पर भी एक छोटी सी स्ट्रिप्स ले लेनी है, एक नहीं यहाँ हमें टू चाहिए, या स्ट्रिप्स ना लेके आप उसमें सर्कल भी बना सकते हो, लेकिन अगर स्ट्रिप्स बनाओगे तो वो ज्यादा ब्यूटीफुल आएगी। अब मैंने जल्दी से इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया, ऐसे मैंने इसके टू पीसेस कर लिए। यस, अब ये देखो हमारे पास ये थ्री पीस हैं। अब मैंने क्या करना है, इसको यहां पर ऐसे पेस्ट कर देना है। ऐसे, और इसके ऐसे ऊपर भी लगाऊंगी ताकि ये जो सेकंड वाला पीस है इसको मैंने ले। अब इसके बीच में मैंने फिर से ये लगा देना है। ऐसे अब आपने यहां पर इस लेग को ब्लैक कर लेना है। ये आपने पूरा पूरा ब्लैक कर देना है इसको ऐसे। और सेम आपने नीचे वाली लेग को भी पूरा ब्लैक कर देना है। सेम आपने इधर भी लेना है, ऐसे ही ऐसे निशान लगा लोगे और इसको भी ब्लैक कर दोगे ऐसे। पूरा आपने अच्छे से ब्लैक कर लेना है। अभी आपका ब्लैक हो गया है, देखो ये पांडा बन गया है। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको किसी शीट के ऊपर भी आप पेस्ट कर सकते हो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। Thank you.
अब हमने यहाँ पर पांडा कहाँ रहता है, जहाँ पर बैम्बूज होते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से ये बैम्बूज बना लेने हैं ऐसे। तो आपने अच्छे से कलर कर लेना है। इसको ऐसे करके आपने अच्छे से कलर कर लेना। मैंने आज कलर बिल्कुल अच्छे से नहीं किए हैं, क्योंकि आज मेरा जो थीम है वो पेपर क्राफ्ट है, तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, आपने कलर बहुत अच्छे से करना है। मैं जस्ट आपको एग्जांपल शो कर रही हूँ कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर दें। अगर आप इसको अच्छे से कलर करेंगे तो ये आपका बहुत सुंदर हो जाएगा। ये देखिए, ये देखो आपका बिल्कुल शेडी लुक देगा। मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इस तरह से लगाना है। आप चाहो तो इसके नीचे भी इस तरह का बीच में पेन की तरह बनाकर आप लगा सकते हो, ठीक है। ये देखो, आप इसे हिलाओगे तो ये हिलेगा, ठीक है। अब हम, ये हमारा पेपर क्राफ्ट आज के लिए था। अब हम एम्ब्रॉयडरी वर्क शुरू करेंगे। पहले मैं आपको थोड़े से टांके बताऊंगी, बटन लगाना बताऊंगी। मैं फ्रेम पे आपको लगाना बताऊंगी, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो। ये मैंने बटन लिए हैं टू टाइप्स के। एक आपके कोट के बटन होते हैं, ये देखो, ये मैंने निडल में धागा डाला हुआ है, और यहाँ पर पीछे मैंने एक नोट बनाई हुई है, वो सभी ने बनानी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले मैं आपको सिंपल वाला बटन लगाना बताऊंगी। ये वाला बटन हम कैसे लगाते हैं, इसके लिए मैंने क्या करना है, ये ऐसे नीचे से पहले सुई को ऐसे निकालना है और बटन को इसमें ऐसे डाल देना है, ठीक है। आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो और इधर साथ साथ भी लेके चल सकते हो, ठीक है। ज्यादातर आजकल दोनों ही वेज में चलते हैं। मैं यहाँ पर क्रॉस कर रही हूँ, ये देखो ऐसे,
फिर सेकंड वाले उससे निकालना है आपने ऐसे, और ये हमारा क्रॉस बन गया इसमें ऐसे ये। फिर जो हमने पहले वाला लिया था, फिर हम पहले वाले उसमें जाएंगे ऐसे, फिर उसके बिल्कुल अपोजिट साइड वाले होल में डालेंगे ये ऐसे, और फिर नेक्स्ट जो हमने सेकंड वाला लिया था, अगर आपका धागा अच्छा है मजबूत है तो आपको 3-4 टाइम्स में ही आपका बटन जो है वो टक हो जाता है ऐसे, ये देखो। अब हम इसको बंद कैसे करेंगे, अब ये बैक साइड देखो, अब मैंने इसको इस थ्रेड में वापस ऐसे डालना है, ये देखो ऐसे, ये मेरा क्या बन गया, ये लूप बन गया एक, है ना। इस लूप के अंदर मैंने ऐसे निडल को डाल लेना है ऐसे, और ये मेरी एक नोट लग गई। इसको और मजबूती देने के लिए हम एक बार और ऐसा ही करेंगे, ये इस लूप में इस तरीके से डालेंगे, ये देखो ये मेरी नोट बन गई, मेरा बहुत ही मजबूती से लग गया। अब हम कोट वाले के लिए करेंगे, तो कोट वाले के लिए क्या करेंगे, कोट वाले के लिए देखो मैंने इस धागे को डबल कर लेना, क्योंकि कोट में बहुत ही मजबूती के साथ लगाना पड़ता है, मजबूती तो सभी में चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा सा हम मोटा कर लेते हैं धागा ऐसे। और ये देखो मैं नोट कैसे बना रही हूँ, ये ध्यान दो, मैंने फिंगर पे ऐसे लिया है और इसको मैंने ऐसे लपेट लिया है ऐसे, ये देखो, फिर ये जो है ना, ये देखो इस तरह से आ गया। मैं इसको इस तरह से ऐसे करके रोल करती जाऊंगी, और रोल होके फिर मैं इसको यहाँ पे ऐसे खींच दूंगी, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने इसको ऐसे लिया, इसको ऐसे फिर मैंने लपेट दिया, फिर मैंने इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए, और ये देखो ये, फिर मैंने इसको ऐसे नेल पकड़ा और इसको ऐसे करके खींच दी ये, ठीक है। ये मेरी देखो नोट बन गई है बहुत अच्छी। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोबारा से निडल को यहाँ ऐसे डाला, और ये बटन सबके कोट के बटन में देखो इसी तरह के बने होते हैं ना ये हॉल जो है, फिर मैंने देखो इस हॉल के अंदर ऐसे डाला और ये ऐसे टक कर दिया। फिर मेरे को ये मैं नीचे करूंगी एक बार, और यहीं से ही मैंने वापस ऐसे ले लेना है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से ही मैं इसको ऐसे ले लूंगी, और ये टाइट हो गया। फिर दोबारा से मैंने इसको वापस से ऐसे देखना है, देखो ये देखो मेरा ये इधर, लेकिन मैं अब क्या करूंगी, मैं इसको टक नहीं करूंगी नीचे, अब मैं इसको इस तरह से लपेटती जाऊंगी थोड़ा सा ऐसे, 2-3 राउंड मैंने ऐसे दे देने हैं इसके इसके चारों तरफ, और उसके बाद मैं अब नीचे इसको टक करूंगी, तो ये मेरा बहुत ही मजबूती के साथ लग जाएगा ये ऐसे। और फिर से हमने इसको वापस उसी मेथड के साथ जो मैंने अभी पहले बताया था आपको, ये तो हो गए हमारे बटन लगाना, मैंने 2 टाइप से आपको बटन लगाना समझा दिया है। अब हमारी कोई भी चीज ऐसे फट जाती है, उधड़ जाती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो आपको एक कच्चा टाका मैं लगा के बताऊंगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये मेरा यहाँ से ये क्लॉथ है, तो क्लॉथ को मैंने इस तरह से एक ऐसे टर्न करना है ये, फिर एक टर्न मैंने और करना है ऐसे ये, ठीक है, ये 2 टर्न्स हो गए। 2 टर्न्स के बाद में मैंने ये देखो यहीं से ही मैंने इसको ऐसे करके ले लेना है ये,
मैंने बस ऐसे ही अप डाउन थोड़ा थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हुए इस तरह से मैंने करते जाना है। इसको बोलते हैं कच्चा टाका। जो सबसे फर्स्ट टाका बच्चे सीखते हैं वो यही वाला होता है, ये ऐसे। इसको ऐसे आपने करते जाना है zigzag बनाते हुए। ये देखो ये आपका फर्स्ट हो गया। अब सेकेंड स्टिच होता है उसको हेमिंग में बोलते हैं और तुरपाई बोलते हैं हिंदी में। उसके लिए भी हमने ऐसे थ्री फोल्ड लेने होते हैं। ये वन फोल्ड, ये सेकंड फोल्ड। ठीक है, इसमें भी हमने क्या करना होता है, अभी इसमें तो हमने ऐसे ऐसे करके चले थे, लेकिन अब इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये वाला टांका जो है वो पीछे नहीं दिखाई देता है, इसमें हमने थोड़ा सा ऐसे नीचे से उठाना है, बिल्कुल हल्का सा ऐसे, और फिर इसको यहाँ से टक कर देना है ऊपर वाली साइड। ऊपर वाली साइड के अभी देखो ऊपर आ गया ये। अब मैं इसको वापस लूंगी तो नीचे वाले कपड़े को मैंने ऐसे बिल्कुल थोड़ा सा उठाना है, जैसे कि वन थ्रेड हमने उठाना है ऐसे, और फिर मैं इसी को नीचे से ही इसको अपर लेयर पे ऐसे इनको निकाल दूंगी। फिर ये ऊपर आ गया, फिर ये देखो मैंने नीचे से बिल्कुल थोड़ा सा धागा लिया है, और फिर मैंने सुई को नीचे से ही लेते हुए ऐसे ऊपर कर दिया। ये देखो, ये देखो मेरा इधर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं इसको डार्क वाले पे भी दिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो, ये और डार्क हो जाएगा इसको ज्यादा अच्छे से। ये देखो, ये मैंने ऐसे फोल्ड किया इसको, फिर मैंने और ऐसे फोल्ड कर दिया, ये थ्री टाइम्स, टू टाइम्स हो गया। अब मैंने देखो यहाँ से इसको, इसमें ज्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, ये हमारी बैक साइड है, इसमें आपको धागा मैचिंग ही लेना पड़ेगा, नहीं तो वाइट अभी पीछे हल्का सा शो हो जरूर होगा। ये देखो, नीचे से बस मैंने बिल्कुल एक थ्रेड उठाया है और नीचे से ही मैंने अंदर की तरफ लिया है। इसमें जो ये लेयर थी, ये देखो दिख रहा है, इसको मैंने इस तरह से लिया ऐसे। ये देखो, ये अब देखो बैक साइड से देखो, बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा है। तो ये हाइड करने के लिए तुरपाई बहुत अच्छी स्टिच होती है, जैसे हम अपने सूट्स वगैरह में करते हैं, शर्ट में भी होता है,
तो ये बॉयज के लिए भी बहुत अच्छा है। ये देखो इधर से दिखाई दे रहा है लेकिन इस साइड से बिल्कुल भी नहीं शो रहा है, व्हाइट धागा है इसलिए थोड़ा सा पॉइंट आपको नजर आ रहा है। अगर मैचिंग आप थ्रेड लोगे तो आपको ये पॉइंट भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं जो मशीन वाली सिलाई होती है। जरूरी नहीं है कि सभी के घरों में मशीन हो, एम्ब्रॉयडरी में उसका रनिंग स्टिच बोलते हैं लेकिन उसको जो है हम मशीन वाला टांका भी बोलते हैं, उसको हिंदी में बखिया बोलते हैं। ठीक है, जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होती है तो अगर उनको सिलना हो तो वो कैसे सिलेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो, सपोज करिए ये आपने टू पीसेस को जोड़ना है। ठीक है, ये मेरे टू पीसेस हो गए इस तरह से। ये तो अब मैं इसको कैसे लेके चलूंगी, ये देखो, ये देखो मैंने ऐसे डाला। अब यहीं से मैंने थोड़ा सा पीछे से लेना है ऐसे, और बिल्कुल उसी डिस्टेंस पे मैंने लेना है। मैं थोड़ा आपको बड़ा बड़ा करके बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से शो हो जाए। अब ये मेरा देखो यहाँ पे टांका आया था, अब इसको मैंने बिल्कुल इसी डिस्टेंस पे आगे की तरफ लेना है ऐसे। मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके बता रही हूँ आपको समझ आ जाए अच्छे से। जिनके पास सिलाई मशीन नहीं होती है और उनका कोई फट गया है कपड़ा वगैरह तो आप उसको इस तरह से उधड़ गया है तो आप इसको ऐसे सिल सकते हो। ये देखो इसको बखिया भी बोलते हैं, ये बिल्कुल मशीन जैसा ही टाका आता है आपका, बट ये कि इसमें टाइम बहुत लगता है, पर ये वाला टाका आपका उधड़ेगा नहीं। इस तरह से आपने इसको सिलते जाना। जी देखो, ये हो गए आपके बेसिक स्टिचेस। अभी मैंने आपको एक सूट पे बॉर्डर पे मैंने दिखाया था आपको, उसके लिए मैंने क्या करना है, उसके लिए मैंने ऐसे डबल थ्रेड लेना है, उसको दोनों को मैंने ऐसे ज्वाइन कर देना है। मैंने ऐसे नोट लगा लेनी है, मैं इसी पे ही आपको बता देती हूँ कैसे करना है। ये देखो ये हमारी काज स्टिच भी होती है, काज स्टिच के लिए हमें इस तरह से करना पड़ता है। देखो चलो मैं अभी आपको दो स्टिच बता देती हूँ। ये मेरी काज स्टिच है, इसमें मैंने थ्रेड को ऐसे लिया, फिर मैंने इसको यहाँ इस थ्रेड के बिल्कुल देखो बीच से निकालना है मैंने सुई को। अगर आप यहाँ बाहर से निकाल दोगे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन ये जो ये लूप मैंने बनाया इसके बीच से मैंने ऐसे निकालना है तो ये मेरा काज स्टिच हो जाएगा। ये देखो मैंने अंदर से लेना है और इसको इस थ्रेड के नीचे से नहीं लेना, इस थ्रेड के ऊपर से लेना। ठीक है, इस वाला थ्रेड, ये जो थ्रेड है ये जहाँ मेरी फिंगर है ये देखो इसके ऊपर से लेना है। ठीक है, ये ऐसे ये एम्ब्रॉयडरी में भी बहुत काम आती है। अब मैं आपको वो वाला बताती हूँ जो भी मैंने आपको, ये देखो लेना इसी तरीके से है,
बिल्कुल, लेकिन हम क्या करेंगे, ये मैंने डबल लिया था, डबल में से मैंने ऐसे करके सिंगल कर देना है, दो धागों के बीच में से मैंने निकालना है, ये देखो ऐसे, ठीक है। मैं फिर से बताती हूँ, इसको मैंने दो धागों के बीच से निकालना है, ये देखो ये जो मैंने डबल लिया था, इसमें आप डबल धागा ही लेके चलोगे, ये देखो ये आगे, ये आप इंटरलॉक जैसे करते हो, ये वो वाला चाका है, ये अपने आप भी आप अपने सूट को इंटरलॉक कर सकते हो। ये अब मैं आपको थोड़ा सा चेन स्टिच और रनिंग स्टिच बता देती हूँ। ये देखो पहले हम रनिंग स्टिच करेंगे, रनिंग स्टिच हम जो भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं तो उसमें हम डंडियां वगैरह, स्टेम्स वगैरह बनाने में, ब्रांचेस वगैरह बनाने में यूज करते हैं। ये देखो ये मैंने धागा डाल लिया है, अब इसको मैंने क्या करना है कि इस तरह से ऐसे ले लेना है अंदर की तरफ, ये फिर से मैंने इसको वापस से इसके साथ ऐसे, जो ये यहाँ पे खत्म हो रहा था इसको इसके साथ ले लिया ऐसे, ये देखो ये हो गई हमारी रनिंग स्टिच। ये देखो ये बैक साइड से ऐसा आएगा, अभी जो मैंने आपको बखिया बताया था ये वो ही होता है, लेकिन एम्ब्रॉयडरी में हम इसका ये वाला पार्ट यूज करते हैं, जो बखिया में हमारा बैक साइड होता है, जो हम अपने कपड़े स्टिच करते हैं उसमें हम इस वाले पार्ट को नीचे रखते हैं और एम्ब्रॉयडरी में हम इस पार्ट को ऊपर रखते हैं, ये दोनों ही साइड से टांका हमारा यूज होता है। अब हमने बनाना है चेन स्टिच, चेन स्टिच के लिए मैं आपको बताती हूँ, चेन स्टिच के लिए हम करेंगे, मैं आपको टू स्टिचेस और बता देती हूँ अभी, ये देखो चेन स्टिच के लिए ये मैंने इसके बिल्कुल सेंटर से निकालना है ऐसे, ठीक है। फिर दोबारा मैंने यहां से नहीं लेना है, अगर आप यहां से भी लोगे तो भी चल जाएगा और अंदर से भी लोगे तो भी आपका चल जाएगा, ये भी टू टाइप से होता है। अभी ये देखो इसमें मैंने अंदर से लिया था, एक बार और बता देती हूँ, इसी में ही मैं आपको टू वेज बता दूंगी, ये देखो ये हमारा आ गया चेन स्टिच, लेकिन इसको हम यहाँ साइड से भी लेंगे, ये हमारा एम्ब्रॉयडरी में यूज होता है, बहुत सुंदर लगता है ये इस तरीके से, ये देखो ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते हैं इस तरीके से, देखो ये ये चेन स्टिच में से ही मैंने आपको टू स्टिच बता दिए हैं, अब एक क्रॉस स्टिच और मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो क्रॉस के लिए मैंने क्या करना है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर देना यहीं से बिल्कुल, फिर ऊपर से ऐसे, नीचे से भी बिल्कुल इसके साथ साथ ही आपने लेके चलना ऐसे,
इसी स्टिच के साथ आज का हम क्लोज करते हैं सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। एक बार आप फिर से देख लीजिए आज आपने पेपर वर्क में क्या क्या सीखा। ये हमने ग्रेप्स बनाए थे, इसके विंग को आप इसमें आप ग्लिटर का भी यूज कर सकते हो, सीक्वेंसेस का भी यूज कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप इसमें कर सकते हो। ठीक है, इसमें डिजाइनिंग भी आप कर सकते हो जैसे मैंने किए हैं। ठीक है, जो भी आपका मन करे आप इसको करके अपनी मम्मा को गिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये स्नेक हो गया आपका, ये पांडा है, और ये हमारा डियर। ठीक है, I hope students you like the session. Thank you ma'am for a wonderful session, and today was the last day of the summer camp. I hope you enjoyed the summer camp. Thank you student, thank you so much. Thank you.